बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको केंटकी फ्राइड चिकन की रेसिपी बनाना सिखाएंगे। इसके लिए आपको 1.5 kg चिकन चाहिए, विनेगर, क्यूमिन पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, चिली सॉस, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको पानी चाहिए, जिसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम मिक्स करके इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे चिकन की। उसके बाद हम इस चिकन को जिप लॉक बैग में डाल के ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख देंगे और इसकी मैरिनेशन इसी में ओवरनाइट होगी। अब हम अपनी मिक्सिंग स्टार्ट करते हैं। हमने ये जो पानी है, इन सब की क्वांटिटीज जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, वो आपको साइट पे लिखी हुई मिलेंगी। अब ये हमने 1.5 कप पानी लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले विनेगर डाल देंगे, फिर हम क्यूमिन पाउडर, देन वी विल ऐड सॉल्ट। सॉल्ट को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। फिर हम ब्लैक पेपर डाल देंगे, फिर हम चिली सॉस। चिली सॉस भी आपके टेस्ट पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा आप उसको स्पाइसी रखना चाहते हैं, ये भी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। देन जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह। जी व्यूअर्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। आप ये देख सकते हैं कि चिकन के अंदर जो है ऑलरेडी मैंने कट्स लगा दिए। ये एक्चुअली कट्स जो हैं सिर्फ इसलिए होते हैं कि डीप मैरिनेशन हो। अब हम इस सारे मिक्सचर को इस चिकन के अंदर डाल देंगे। और इस चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। आपने इसकी लिक्विड फॉर्म से बिल्कुल नहीं घबराना। अब हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि मेरे पास एक बाउल है। ये थोड़ा इस टाइप की मैरिनेशन के लिए आपको थोड़ा कंजेस्टेड सा टाइट सा बाउल चाहिए होता है। उसके अंदर मैंने ये जिप लॉक बैग रखा हुआ है। ये जिप लॉक बैग इसलिए है कि जब हम इस चिकन को इसमें डालेंगे और ऊपर से ये सारा वाटरी सोल्यूशन, तो ये इसकी और ज़्यादा ओवरनाइट डीप मैरिनेशन कर देगा। अब आप देख सकते हैं व्यूअर्स, इसको मैं जो हूँ इस जिप लॉक बैग में 1 by 1 करके सारा चिकन डाल दूंगी। अब देखिए व्यूअर्स, हमने सारा चिकन इसके अंदर डाल दिया है और जो लिक्विड था सारा मैरिनेशन का, वो चिकन के ऊपर आ रहा है। इसके जिप लॉक बैग के अंदर अगर कोई हवा है तो वो भी निकाल दीजिए। इसको हमने जिप लॉक बैग को हमने इस तरह से बंद करके हमने इसको तकरीबन 6 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देना है। अब व्यूअर्स, 6 आवर्स हो गए हैं, हमने चिकन जो है फ्रिज से निकाल लिया। अब हम इसमें एक जो डिफरेंट चीज़ है वो ये कि इसमें हम एग कोटिंग नहीं करेंगे चिकन की, हम इसमें एग की रिप्लेसमेंट में हम योगर्ट यूज़ करेंगे, जो कि मेरे पास इधर 1.5 kg चिकन के लिए 1 कप है। और उसके साथ हम इसको मिक्स करेंगे इस पानी के साथ, वो भी हमारे पास 1 कप है। अब हम इस योगर्ट को इस बड़े से बर्तन में आपने डालना है और पहले आप इस योगर्ट को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कोई इसमें वो लम्स ना हो। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आप इसमें पानी, आपने इतनी इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है कि आप इसमें चिकन को इजीली डिप कर सकें, ज़्यादा आपने इसको वाटरी फॉर्म नहीं बनानी। अब हम इसमें इसको अच्छी तरह हमने विस्क कर लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आपने खुद आप पे डिपेंड, वैसे मैंने 1 कप लिया, लेकिन मैं इसको साथ साथ चेक करती जाऊंगी कि मुझे इसकी कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब देखिए व्यूअर्स, ये बिल्कुल हमारी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हो गया। अब हम इसमें चिकन को मिक्स करेंगे और इसमें हम चिकन को 1 to 2 hours के लिए जो है वो छोड़ देंगे। और वो ये हम स्टेप इसलिए कर रहे हैं कि इस तरह से चिकन इसमें रखने से ये और ज़्यादा जूसी और टेंडर होगा। अब व्यूअर्स, हमने ये जो चिकन है इसका हम जिप लॉक बैग खोलते हैं।
और इसमें से हम चिकन को पीसेस निकाल के इस दही में डालते जाते हैं। अब देखिए व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरीके से सारा योगर्ट के अंदर जो है चिकन को डिप कर दिया है। अब ये बेस्ट रिप्लेसमेंट है एग की। अब व्यूअर्स, हम चिकन के लिए जो है कोटिंग ड्राई इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार करेंगे। अब 2 आवर्स गुजर चुके हैं, 2 घंटे के बाद हमने चिकन निकाल लिया दोबारा फ्रिज में से। अब हम इसमें से चिकन के पीसेस लेके अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसको ड्रेंच करेंगे और फिर इनको हम इस प्लेट में रखते जाएंगे। जब आप ये काम कर रहे हो तो आप चाहें तो इसको दोबारा कोटिंग के साथ फ्रिज में रख सकते हैं। अब व्यूअर्स, मैंने ये कोटिंग सारी पीसेस की कर ली है। इस जब मैं ये कोटिंग कर रही थी उस दौरान मैंने जो है ऑयल जो है वो डाल के रख दिया था और मीडियम हीट पर, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता हीट अप हो। अब हम जो है यहाँ से पीसेस लेते जाएंगे और हम इसमें फ्राइंग पैन में डालते जाएंगे। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ओवर क्राउडेड ना करेंगे, 1 से 2 पीस डालें। अगर आप इसको ज़्यादा ओवरक्राउड कर देंगे तो इसका जो हीट ऑयल की जो हीटिंग लेवल है वो डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो कोशिश करें कि 2 एट अ टाइम पीसेस डालें। छोटे पीसेस आप फिर 3 से 4 डाल सकते हैं, लेकिन जो बड़े पीसेस हैं उनको आपने 2 एट अ टाइम डालने की कोशिश करें। अब आपने इसको 5 to 6 मिनट्स एक साइड को आपने पकने देना है, फिर हम इसको टर्न करेंगे सेकेंड साइड की तरफ। अब व्यूअर्स, 5 to 6 मिनट्स हो गए। अब हम इसकी इस साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड को जो है वो पकाने के करेंगे। ये देखिए, अब हम दोबारा इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए जो है कुक होने के लिए रख देंगे। ये तकरीबन 12 to 15 मिनट्स जो है ये कुकिंग एक पीस पे चलती है। अब व्यूअर्स, हमारे 12 मिनट्स हो गए। ये देखिए कितना अच्छा ये चिकन फ्राई हो गया। उससे पहले मैंने ये प्लेट में टिश्यू पेपर रख के एक वायर रैक रखा ताकि इसका जो एक्सेस ऑयल है वो इसमें से निकल जाए, और अगर आपने डायरेक्ट इसको टिश्यू पेपर रख दिया तो ये ज़रा सॉगी हो जाएगा, ऑयल इसी के अंदर रह जाएगा। जी व्यूअर्स, हमारी केंटकी फ्राइड चिकन जो है वो रेडी हो गई है। आप इसको सर्व कर सकते हैं विद फ्रेंच फ्राइज, गार्लिक मायो डिप और केचप के साथ। ये बच्चों की फेवरेट डिश है, ज़रूर ट्राई करें अपने घर पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।